दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर के मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इस समय पर्यटन स्थल कल्पा में 3 इंच, पर्यटन स्थल छितकुल में 6 इंच, आसरंग में 6 इंच, लिप्पा में 4 इंच, निसंग में 6 इंच, रोपा में 6 इंच और हांगो में 4 इंच बर्फ दर्ज किया जा रहा है। इसी तरह पांगी, रोघी, मीरू, पुह, डबलिंग, नामझा, रारंग, ठंगी, मूरंग आदि कई क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। इस समय जिला मुख्यालय रिकांगपियो में भी 1.5 इंच के करीब बर्फ दर्ज की जा रही है। किन्नौर में हुए इस बर्फबारी के कारण छितकुल, आसरंग, रोपा, नेसंग, हांगो, चुलिंग आदि कई संपर्क सड़क मार्गों पर बसें नहीं चल पा रही हैं। इन मार्गों से बर्फ हटाने का कार्य जारी है। किन्नौर में बर्फबारी के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज होने से कई नदी नाले, झीलें तेजी से जमने लगे हैं। पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए किन्नौर प्रशासन ने भी लोगों को खतरे वाले स्थानों पर न जाने व एहतियात बरतने की हिदायत दी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से महेंद्र नेगी की रिपोर्ट। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।